हेलो फ्रेंड्स, अ डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो इसने सिर्फ हेल्थ सेक्टर को नहीं, ग्लोबली बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको नेगेटिवली इम्पेक्ट किया है। और उसमें अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये भी उससे अनछुआ नहीं रहा है। काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत तेजी से नीचे गिरे हैं और इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। इस टॉपिक पर काफी वीडियोस बने हैं कि स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट हुई है, लेकिन किस तरह से कोरोना की वजह से स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट हुई है इस पर काफी कम चर्चा हुई है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से COVID-19 ने स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट किया है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स को हाईलाइट करेंगे जो पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड किया है। कोरोना के एपिसेंटर यानी कि चाइना की बात अगर हम करें तो उसके ट्रेड रिलेशंस विद द अराउंड द ग्लोब हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं। तो चाहे हम उसमें यूएस के ट्रेड वॉर्स की बात करें या इंडिया में अभी जो करंट बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं उसकी बात करें, ओवरऑल सिनेरियो में चाइना एक विलेन बन चुका है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो चाइना वर्ल्ड का फैक्ट्री हब है, जहां से लगभग 16% प्रोडक्ट्स अराउंड द ग्लोब एक्सपोर्ट होते हैं। और अगर हम उसमें इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 18% यानी कि एक्सपोर्ट का 5वां हिस्सा इंडिया में आता है। तो यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया में जो कहीं ना कहीं चाइना पर डिपेंड करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोथ के लिए। तो अगर किसी वजह से ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाता है तो बहुत से ऐसे सेक्टर्स इम्पेक्ट होंगे और अल्टीमेटली उनके स्टॉक्स पर काफी फर्क पड़ेगा। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया में जो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी कि रॉ मटेरियल के लिए चाइना पर डिपेंड है। जैसे कि ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट्स के लिए 18% रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट होता है। दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की बात करें तो 67% रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं। उसी तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज है जिसका 45% प्रोडक्ट चाइना से आता है। ऐसी कंडीशन में जब इंपोर्ट रुका या बंद हुआ ड्यू टू पेंडेमिक कंडीशन, इनके स्टॉक्स पर असर पड़ा और इनके स्टॉक प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे गिरे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स की जो इन सेक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए हैं, जैसे कि अगर हम ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स को देखें या महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इन दोनों के स्टॉक्स में काफी फर्क पड़ा है इस लॉकडाउन टाइम में या जब से ये कोरोना पेंडेमिक कंडीशन आया है। उसी तरह से अगर हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर्स की तो डीएलएफ के स्टॉक्स पे भी काफी फर्क पड़ा है और वो काफी तेजी से नीचे गिरा है। एविएशन सेक्टर में भी काफी स्टॉक्स के प्राइसेस पर असर पड़ा है, जैसे कि इंडिगो है, स्पाइसजेट है, इनके स्टॉक प्राइसेस काफी नीचे गिरे हैं। लेकिन अगर हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो वो हमें देखने को मिला है फार्मा सेक्टर में। हालांकि फार्मा सेक्टर 67% मटेरियल चाइना से इम्पोर्ट होता है, लेकिन फिर भी फार्मा सेक्टर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और इसके स्टॉक प्राइसेस भी पेंडेमिक कंडीशन में भी बढ़ते नजर आए हैं। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें सन फार्मा का या सिप्ला का, तो आप इन चार्ट से इनके स्टॉक प्राइसेस को अच्छे से देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किस तरह से पेंडेमिक कंडीशन या लॉकडाउन सिचुएशन में भी इनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ते रहे हैं। तो ये कोरोना पेंडेमिक कंडीशन कब तक रहने वाली है इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं और बाबा हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि कोरोना की दवाई आ गई है मार्केट में, हालांकि सबको सच पता है कि क्या है, लेकिन फिर भी अभी ये जानना मुश्किल है कि कब तक ये पेंडेमिक कंडीशन रहने वाली है और कब तक ये ट्रेड इश्यूज चाइना के साथ रहने वाले हैं। इस पेंडेमिक कंडीशन में जब चाइना ग्लोबल विलन बन चुका है यानी कि, तो उस केस में काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी रखते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे फैसले लेती है तो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी इम्प्रूव हो सकती है और अल्टीमेटली काफी सेक्टर्स हैं जिसके स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर बटन पर क्लिक करें और हमारी आने वाली वीडियोस के साथ बने रहने के लिए अ डिजिटल ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब करें।